तो जैसा हमने पहले सोचा था और जैसे मैंने आपको बताया था वैसे एग्जैक्टली हुआ है। Redmi का एक और नया सीरीज़ Note 7S लॉन्च हो चुका है, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। 1500 रुपये के डिफरेंस में Xiaomi बहुत डिफरेंट तरह के फ़ोन रखती है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा जो सबसे हाईएस्ट आपका हो भले 1000 रुपये बढ़ा लीजिए वही ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाएंगे और बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ ये है क्या। तो Xiaomi के फ़ोन आप सभी जानते हैं पहले चाइना में लॉन्च होते हैं, उसके कुछ हफ्तों बाद वो इंडिया में लॉन्च होते हैं। तो जो नोट 7 था सबसे पहले चाइना में लॉन्च हुआ था, तो ये है रेडमी नोट 7 जो ग्लोबल वेरियंट है। चाइना में लॉन्च हुआ, उसके बाद इंडिया में नोट 7 प्रो नोट 7 लॉन्च हुआ। अब वही सेम इंटरनेशनल और ग्लोबल वेरियंट अब इंडिया में रेडमी नोट 7 एस करके लॉन्च है। अब एस का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, आपको कुछ क्ल्यू हो तो बता दीजिए। आई मीन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि एस फॉर क्या, नोट 7 आई होता तो इंडिया कह देते, एस फॉर आई मीन मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूँ, अगर इनके सब ओरिजिनल फ़ोन यानी कि रेडमी नोट 7 एस के अनबॉक्सिंग और ग्लोबल जो सेम है उसकी अनबॉक्सिंग हमने कई महीने पहले की थी, वो आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूँ ड्यूरेबिलिटी के रिगार्डिंग भी, वो भी हमने पहले किया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए बॉक्स में देखते हैं और कंपेयर करते हैं नोट 7 प्रो वर्सेस नोट 7 एस वर्सेस नोट 7, तीनों में कितना डिफरेंस है। उसके बाद में हम ड्यूरेबिलिटी की भी बात करेंगे, कैमरा परफॉर्मेंस सब कुछ हम देखते हैं। तो ये रेडमी नोट 7 ग्लोबल और इंडियन नोट 7 एस है, मैंने यहाँ पे एस लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये नोट 7 प्रो है, मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ दोनों फ़ोन में आपको क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे नोट 7 एस, तो हम दोनों के साथ में क्विकली अनबॉक्सिंग करते हैं। इवन तो जैसे मैंने पहले कहा है कि हमने कई महीने पहले इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग की है, तो फिर भी आपको क्या मिलेगा मैं आपको दिखा दूँ। तो बॉक्स में आपको सिंपली एज यूजल एक केस मिलेगा जो Xiaomi कहती है बहुत हाई क्वालिटी है, लेकिन नोट 6 प्रो इसी हाई क्वालिटी केस के साथ ही ब्रेक हो गया था ड्रॉप टेस्ट में। तो ये फ़ोन है, कलर वेरियंट आपके डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें आपको एक रेड कलर का वेरियंट मिलेगा जो इंडिया में लॉन्च होगा, ग्लोबल में ऐसा नहीं था। तो बॉक्स में आपको कलर थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, चार्जर का वाइट है और ये टाइप सी होगा, लेकिन ये क्विक चार्ज 2.0 सपोर्ट यहाँ पे है, ये इसमें एक डिफरेंस है। तो आप जान लीजिए नोट 7 प्रो पे आप जाते हैं तो आपको क्विक चार्ज 4 तक का सपोर्ट मिलता है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप जितना हो सके हायर वेरियंट पर जाइए, आपके लिए अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो मैं बॉक्स को यहाँ पे पैक कर देता हूँ क्योंकि ऐसा सच कुछ खास नहीं है दिखाने के लिए। तो बॉक्स कंटेंट तो हमने देख लिए, अब मैं कुछ फ़ोन कंपैरिजन दिखा दूँ। तो ये आपका Redmi Note 7 S है, ये आपका Note 7 Pro है और ये आपका Redmi Note 7 है, डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले आपका Redmi Note 7 वर्सेस Note 7 S में क्या डिफरेंस है, तो लुक वाइज ऐसा ही होगा कि आपको कलर हो सकता है डिफरेंट मिल जाए, जहाँ पर रेड और जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और कैमरा का डिज़ाइन भी वैसा ही। लेकिन अगर आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो कैमरा का जो सेंसर है Note 7 S का, ये थोड़ा सा आपका बाहर है कंपेयर टू अगर आप Redmi Note 7 में देखेंगे, थोड़ा सा कम है क्योंकि ये कम मेगापिक्सल का है इसलिए, और ये 48 मेगापिक्सल का है, थोड़ा सा बड़ा है। बाकी देखने में वैसा ही है, आप चाहे फ्रंट में आए चाहे बैक में आए, नॉच आपको सब में वैसे ही मिलेगी। अब हम नोट 7 प्रो को नोट 7 एस से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रांडिंग में थोड़ा डिफरेंस है। ब्रांडिंग में आपको यहाँ पे दिखा दूँ फिर से, तो नोट 7 में आपको यहाँ पे लिख के जो मिलता है वो है AI कैमरा और आपका 1.25 mm है और f/2.2 PDF यानी कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल AI ड्यूअल कैमरा ये लिखा मिलेगा। ओके, नोट 7 प्रो वर्सेस नोट 7 एस में देखिए क्या डिफरेंस है। बाय द वे कैमरा प्रोटेक्शन जो आपको लगा हुआ है वो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है ताकि आपके फ़ोन पे स्क्रैचेस ना लगे। तो नोट 7 एस वर्सेस नोट 7 प्रो में देखिए 48 मेगापिक्सल AI ड्यूअल कैमरा दोनों में लिखेगा। अब डिफरेंस क्या है, ये आपका सोनी का 48 मेगापिक्सल सेंसर है IS, और ये आपका ये सैमसंग का है GM1 IMX586 वर्सेस आपका सैमसंग का GM1। तो ये फिजिकली 48 मेगापिक्सल नहीं है, ये 4 पिक्सल कंबाइन करके फोटो बनाता है, फाइनल आउटपुट आपका 12 में आता है, लेकिन दोनों में आप 48 मेगापिक्सल का आउटपुट ले सकते हैं। बाकी लुक वाइज वैसे ही, कलर आपका डिफरेंस होगा, दोनों में आपके वैसे ही नॉच मिलती है जैसे कि होती है स्मॉलर आपकी जो भी नॉच आप कहें, टाइप सी दोनों में है, सब कुछ वैसा ही है जैसे आपको मिलना चाहिए। तो ये रहा आपका फ़ोन, अब मैं आपको फ़ोन के अंदर जाके दिखाता हूँ कि आपको वर्जन में क्या क्या मिलेगा। तो गाइज़ फ़ोन तो हमने देख लिया है कैसा, मैं आपको क्विकली फ़ोन के अंदर जाके दिखा दूँ कि आपको वर्जन में क्या क्या मिलेगा। तो माई डिवाइस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये MIUI 10.3 में जो लेटेस्ट अवेलेबल है, 4000 mAh की बैटरी है, 48+5 MP का कैमरा मिलता है, सेम टाइप का जो आपका है नोट 7 प्रो में। साथ ही आपका स्नैपड्रैगन यहाँ पे 660 है और रैम जो आपकी है इसमें 4GB मिलेगी, 3GB का ऑप्शन आता है, मेरे पास 4GB है, और रिजोल्यूशन वही है, सब कुछ वही है। अब चूंकि ये ग्लोबल वेरियंट है इसमें नोट 7 लिखा है, आपके में नोट 7 एस लिखा रहेगा। ऑल स्पेक्स में जाइए तो यहाँ पर आप देखेंगे एंड्रॉयड वर्जन आपको वही मिलेगा, एंड्रॉयड पाई जो आपको अवेलेबल है सभी फ़ोन में।
थोड़ा सा ये लैगी है, लेकिन अभी देखिए सही आ गया है। तो ये आप कैसा दिखता है, बाकी मैंने पोको लॉन्चर डाल रखा है तो थोड़ा सा डिफरेंस आपका है। तो ये तो रही गाइस आपके फ़ोन की क्विक अनबॉक्सिंग जो हमने की है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी और सब कुछ कैसी, कंपनी ने काफ़ी कुछ कहा है प्रोडक्ट लॉन्च में, तो आप डिटेल में इस एग्जैक्टली रेडमी नोट 7S की ड्यूरेबिलिटी भी देख सकते हैं और इंडियन वेरियंट ऑफ नोट 7 वर्सेज नोट 7 प्रो की हमने दोनों के डिफरेंट डिटेल में ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको क्विकली बता दूँ जो मैंने देखा है नोट 7, नोट 7 प्रो के ड्यूरेबिलिटी में कंपेयर टू अदर ब्रांड के, तो गोरिल्ला ग्लास 5 इसमें यूज़ किया गया है फ्रंट एंड बैक में, 7 प्रो, 7S, 7 तीनों में आपको एग्जैक्टली सेम होगा, वो कोई इश्यूज़ नहीं है। तो ग्लास स्क्रैच के मामले में काफ़ी अच्छा है क्योंकि मैंने गोरिल्ला ग्लास 5 के बहुत से फ़ोन ट्राई किए हैं। इनफैक्ट मैं रिसेंटली वन प्लस 7 प्रो का भी किया है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, इसमें गोरिल्ला ग्लास 6 है फिर भी स्क्रीन में स्क्रैचेस लग जा रहे हैं, लेकिन नोट 7 में स्क्रैचेस नहीं लग रहा। रियलमी 3 प्रो में भी सेम, गोरिल्ला ग्लास 5 है उसमें भी स्क्रीन पे स्क्रैचेस लग जा रहे हैं, लेकिन नोट 7, नोट 7 प्रो, 7S में कोई स्क्रैचेस नहीं लगेगा। तो ये ज़रूरी है। और बाकी इसके ड्रॉप वाइज ये फ़ोन ग्लास का है तो डेफिनेटली ब्रेक हो सकता है, आप किसी भी एंगल से गिरा है, कंपनी जो कहती है कि ड्रॉप किया है फ़ोन नहीं गिरा, मैंने भी इसी फ़ोन को इसी हाइट से गिराया था, फ़ोन ब्रेक हो गया था। तो कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी आप चेक कर लीजिएगा। अब रिगार्डिंग गाइस कैमरा और परफॉर्मेंस डिफरेंस कितना है, तो हमने सभी फ़ोन को नोट 7S वर्सेस नोट 7 वर्सेस नोट 7 प्रो इंक्लूडिंग नोट 6 प्रो को भी हमने साथ में कैमरा कंपैरिजन किया है और स्पीड टेस्ट भी कर रखा है, वो सभी आप चेक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली नोट 7S की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है नोट 7 के कंपैरिजन में क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है। और कैमरे की बात करें गाइस तो इनफैक्ट जो मैंने देखा है पोर्ट्रेट शॉट लेने में और जो फोटो इसमें आए हैं कम्प्लीटली नेचुरल लुक में आए हैं जो सैमसंग के सेंसर यूज़ करके 7S में किया गया है। बाकी थोड़ी सी लिमिटेशन होती है 48 मेगापिक्सल की, वो क्या है मैंने उसके बारे में आपको डिटेल में बता रखा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये रहा गाइस आपका रेडमी नोट 7S सारी डिटेल्स जो आप जानना चाहते हैं। तो मैं फिर से आपको वर्क कर रहा हूं, मैं बहुत जल्दी आपको दिखाता हूं फिर से दोनों सेंसर्स में क्या डिफरेंस है 48 मेगापिक्सल में कैमरा क्वालिटी वीडियोस को लेके, और साथ ही रेडमी नोट 7 इंडियन फेस इंक्लूड करते हैं, नोट 6 प्रो मैं स्किप कर दे रहा हूँ। तो स्टे ट्यून, होपफुली बाय कल तक मैं आपको ये सारे टेस्ट दिखाता हूँ। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कंप्लीट अपडेट को देखने का, मेरा नाम सौरभ है, नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।